Good morning, students. Today I will start functions, powers of Prime Minister of our country, India. Yeah? And in this topic, first of all, you should know the appointment, how Prime Minister of country is appointed, like composition, and after that, various functions performed by him. Our Prime Minister is very powerful. Indian Prime Minister is very powerful because directly or indirectly, we can say all the powers of president, these are used by the Prime Minister. Prime Minister has a power of advisory. Advisory function matlab, Prime Minister ke paas advisory function hai that he can give advice to the president regarding the using of his powers. Here, appointment. First of all, how Prime Minister is appointed? That is, you can say decided in the Lok Sabha elections. During Lok Sabha elections, whichever political party gets highest number of seats, yani ke jis bhi party ko sabse maximum seats milti hai, leader of that party is invited by the president to form the government. Here, yani ki Lok Sabha ke elections mein jis party ko sabse maximum seats ya sabse maximum votes jisko milte hai, theek hai, that party is declared as the majority party. Isko majority party kehte hai. अब वो पार्टी रूलिंग पार्टी कैसे बनेगी? बिकॉज द लीडर ऑफ दैट पार्टी विल बी इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट. उनको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. आफ्टर दैट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बाकी अपने मिनिस्टर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग भी हमने इनकी फंक्शंस पावर्स जो हमें बतानी है कि अपॉइंटमेंट के बाद, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर के कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, उनकी पोजीशन, पावर्स, फंक्शन, पोजीशन, ना, ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट एवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री पोजीशन, पावर्स, फंक्शंस हैव, वी विल डिस्कस इन डिटेल अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स. ठीक है, तो जब भी आपने बेटा हेडिंग्स बनाने होते हैं ना, हेडिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले याद रखो कि आपने कोई भी हेडिंग बना रहे हो तो उसके लिए आपने प्रॉपर उसको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, और सबसे पहले लाइक फर्स्ट मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट. ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद अब हम इनके फंक्शंस जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आपको मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ही क्या आ गया, नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट करने के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट जब उनको अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने जितने भी इनकी जो इनकी पार्टी के जो एमपीज हैं, जो सीट्स जिन्होंने जीती हैं, ठीक है, उनमें से ये डिसाइड करते हैं कि किसको जो है वो मिनिस्ट्री दी जाएगी. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन में आपने बताना है. सबसे पहले तो ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर लिस्ट. ठीक है, उस लिस्ट में लाइक एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा. तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद ये लिस्ट जो है वो किसको फॉरवर्ड की जाती है, प्रेजिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. लिस्ट जो है वो आगे प्रेजिडेंट को फॉरवर्ड की जाती है उनकी अप्रूवल के लिए. फाइनली प्रेजिडेंट जो है वो लिस्ट को अच्छी तरह से जो है वो चेक करते हैं. ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर साइन होने के बाद इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स को, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. ठीक है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैन रीशफल. रीशफल का मतलब क्या होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि डिपार्टमेंट्स को रीशफल किया जाना चाहिए तो वो रीशफल भी कर सकते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं. किसी मिनिस्टर से डिपार्टमेंट वापस भी ले सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं. तो ये सारा जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये किसकी पावर्स है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स. ठीक है, पहले वो लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी अप्रूवल देते हैं, उसके बाद उसको रीशफल भी किया जा सकता है. ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बेटा तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. ये याद रखना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनकी थ्री कैटेगरीज होती है. ठीक है, नंबर वन कैबिनेट मिनिस्टर,
cabinet minister. Number two, ministers of state. And third is deputy minister. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका रैंक सबसे हाईएस्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह की कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की. नंबर वन कैबिनेट मिनिस्टर, नंबर टू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, नंबर थ्री डेप्टी मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं इनका सबसे हाई रैंक होता है, हाई रैंक और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स. इनका नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितना हो सकता है? 20 to 30. ठीक है, यानी कि 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? 20 to 30, जो वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, जिनको प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है, इनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर. और जब भी प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करना होता है कंट्री के बारे में, तो वो कैबिनेट मीटिंग कई बार आपने सुना होगा मीडिया में या न्यूज़पेपर में कि आज प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं. कैबिनेट के साथ मीटिंग करना मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जिनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, ताकि जो नेक्स्ट कंट्री के बारे में जो प्लान्स हैं या एजेंडाज हैं या पॉलिसीज हैं उनको बनाया जाए. ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, देन सेकेंड कैटेगरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट. यहाँ पे स्टेट वर्ड का मतलब ये नहीं है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र. ये रैंक है सेकेंड नंबर का रैंक. नंबर वन फर्स्ट रैंक, दैट इज सेकेंड रैंक. सेकेंड रैंक का मतलब है कि इनको, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, इनको लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं. लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनसे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन इनसे एडवाइस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. मतलब लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी मीटिंग्स या कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, तो वो इनको ज़्यादा जो है उनके साथ डिस्कस किया जाता है, तो इनके साथ कम होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे हों. तो इनका नंबर क्या हो सकता है? मतलब 50 to 60 हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इनका नंबर ज़्यादा हो सकता है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिनके पास होते हैं. ठीक है, आगे है डेप्यूटी मिनिस्टर, असिस्टेंट. जो असिस्ट करते हैं, लेस एक्सपीरियंस, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं होता. ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है? यानी कि जो पार्टी में नए मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ असिस्ट भी कर देते हैं. ठीक है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ भी असिस्ट कर देते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो डेप्टी मिनिस्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर नहीं होते हैं. ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. असिस्ट का मतलब उनके अंडर काम करते हैं, उनसे काम सीखते हैं. ठीक है, कि डिपार्टमेंट को कैसे संभाला जाए. तो इस तरह से जो है हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रिपेयर किया जाती है लिस्ट. ठीक है, तो ये सारा आपने बताना है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है, किसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाना है, किसको डेप्टी मिनिस्टर बनाना है. ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर की विल के ऊपर. और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर. कैबिनेट, कैबिनेट वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं. इसका मतलब वो अपने इंपॉर्टेंट जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके साथ प्रॉपर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स कंट्री के रिगार्डिंग उनके साथ हो रही है. ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब ये जो हमने लिस्ट जो हमने देखा है इसमें कि अलग अलग किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है, इसी के अकॉर्डिंग अब इनके आगे फंक्शंस हैं. मतलब फर्स्ट अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, तो सेकंड हमने इन्हीं के ऊपर ही बेसिस है. सेकंड क्या होगा? सेकंड इज रिलेटेड टू कैबिनेट. अब सेकंड है कैबिनेट से रिलेटेड. अब जब उनकी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, तो हमारा सेकंड फंक्शन इसी के साथ ही है, चेयरमैन ऑफ कैबिनेट. कैबिनेट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, कैबिनेट. ठीक है,
अब देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये है प्राइम मिनिस्टर, इनके आसपास है, ये है इनर रिंग कैबिनेट, उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट यहाँ पे है और ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट इज द इनर रिंग, इनर मोस्ट रिंग। इनर मोस्ट रिंग का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे पहले कैबिनेट के साथ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट होती है दैट इज द इनर मोस्ट इनर रिंग, ठीक है, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसके रिलेटेड कैबिनेट का काम क्या है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है, कि वो इनकी मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करते हैं। मीटिंग्स, प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। प्रिजाइड ओवर का मतलब क्या होता है? कैबिनेट्स की मीटिंग जो है उनको प्रॉपर जो है वो डिस्कशन की जाती है। उसके बाद उन मीटिंग्स में जो भी उनका डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस आगे किसको बताए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, प्रेसिडेंट। इट मींस प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। कैबिनेट में जो भी होता है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, प्रेसिडेंट के साथ जो भी उनकी मीटिंग्स होती है वो कैबिनेट को बताते हैं। प्रेसिडेंट कैबिनेट के साथ मीटिंग्स नहीं करते, मीटिंग्स कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पहले कैबिनेट के साथ मीटिंग्स करते हैं, जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं उनका जो भी रिजल्ट होता है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, प्रेसिडेंट जो भी उनके साथ डिस्कस करते हैं वो कैबिनेट को बताते हैं। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, ही प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द कंट्री आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग्स में ज्यादा लेते हैं। क्लियर? और इस तरह से हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है? कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड। अब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ साथ एक एमपी भी है, नंबर थ्री, लीडर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमपी के साथ साथ, अब देखा जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इधर अगर हमने देखा जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो इसके बाद अगर एक और बड़ा सर्कल, दैट इज लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है पूरी लोकसभा, टोटल मेंबर्स, लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद कैबिनेट भी है, कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो टोटल लोकसभा का लीडर जो होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इनकी जो लोकसभा से रिलेटेड जो है वो फंक्शंस क्या है? ठीक है, नंबर वन सबसे पहले तो होता है जितने भी बिल्स, मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका मेन एफर्ट होता है बिल्स को पास करवाना, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हैं, चाहे मनी बिल हैं, चाहे बजट, यानी कि लोकसभा के अंदर जितने भी बिल पास करवाए जाते हैं, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल पास, प्राइम मिनिस्टर को हर एक बिल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी बिल कौन सा होता है, मनी बिल कौन सा होता है, बजट कौन सा होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी बिल ही हैज टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी बिल, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल है, चाहे वो मनी बिल है, चाहे वो बजट है, क्योंकि कंट्री के इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो एटलीस्ट हर एक डिसीजन जो है या हर एक बिल या हर एक प्रपोजल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को थॉरो जो है वो रीड करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं लोकसभा? ही मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट मेंबर्स, यानी कि लोकसभा में, लोकसभा का लीडर है वो, है ना, तो मेजोरिटी पार्टी, मेजोरिटी पार्टी का मतलब होता है नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा इनकी होती है, तो ये आपस में मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अंदर डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लीडर्स या जो एमपीज हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें,
तो ये सारा जो है वो देखना किसका मेन फंक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। देन इसके अलावा ही इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट अबाउट द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं, लोकसभा का सेशन जो होता है, प्रेसिडेंट नहीं आते इसमें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में जो भी होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या मीटिंग्स की जो भी जो मिनट्स रिकॉर्ड होता है, मिनट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी उनका सेशन में जो भी उनकी डिस्कशंस होती हैं, तो ये सारा कीप ऑन इन्फॉर्मिंग प्रेसिडेंट आल्सो। इसका मतलब क्या है, वो प्रेसिडेंट को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। वो सारा जो भी लोकसभा में होता है वो सारा उनको अपडेट बताते हैं, उनको मीटिंग्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, बिल्स के बारे में बताया जाता है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कीप अपडेटिंग प्रेसिडेंट साइड बाय साइड रिगार्डिंग द मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट को बताते हैं, तो ये उनका नेक्स्ट फंक्शन हो गया। फोर्थ, एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको ये वर्ड नहीं याद आता तो आप इलेक्टोरल फंक्शन भी लिख सकते हो, इलेक्टोरल पावर्स। अब जितनी भी प्रेसिडेंट के पास इलेक्टोरल पावर्स हैं, ठीक है, किन किन को इलेक्ट करना, लाइक गवर्नर, ठीक है, गवर्नर्स, देन सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, पीसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर जजेस, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, आपने क्या बताना, दैट ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड, अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नर, सीईसी, इलेक्शन कमीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ऑल द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स लाइक गवर्नर, सीईसी, ईसी, जजेस, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है इलेक्टोरल फंक्शन में, क्या बताना, ये एडवाइजर की, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की जितने भी पावर्स हैं उसमें उनको एडवाइस देते हैं। तो आप ये लिख सकते हो, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, सपोज आप ऐसे भी लिख सकते हो। इलेक्टोरल फंक्शंस क्या होते हैं कि जितने भी इलेक्शंस या जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को प्रॉपर एडवाइस करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर मतलब हमारी कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट या वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है ना, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, ये भी कह सकते हो, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। अब आप देखते हो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन कंट्रीज में जाना, उन कंट्रीज के साथ उनकी जो पॉलिसीज हैं या उनके प्रोजेक्ट्स को अपनी कंट्री में लेकर आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ठीक है। तो कुछ भी जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अपनी कंट्री में लेकर आना, तो जितने भी हमारी कंट्री की इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज होती है, तो प्राइम मिनिस्टर उसमें इनिशिएटिव करते हैं। बहुत रेयर ही है कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट कहीं कंट्री में गए हैं। जितने भी समिट्स होते हैं अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप है, कभी यूएनओ की मीटिंग हो रही है, कभी साक कंट्रीज हैं, कभी ग्रुप, अलग अलग कंट्रीज ग्रुप्स बनाती हैं, तो उसमें कभी कहीं कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है और वहां पर वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी कंट्री में जो फॉरेन कंट्रीज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है दैट प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। एंड जितनी भी पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जो भी आते हैं ही पुट बिफोर द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में लेकर आते हैं प्रोजेक्ट्स। लाइक अगर बुलेट ट्रेन प्रपोजल, फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन प्रपोजल,
ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर पहले उस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्ट जो कंट्री यहाँ कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी कितना खर्च होगा वट एवर जो भी है वो ये सारा प्लान जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस करती है, और उसके बाद पार्लियामेंट क्या करती है मनी बिल के द्वारा उसको पास करती है और उसके बाद सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारी कंट्री की मेजर जो है वो फॉरेन पॉलिसीज जो है उनको इंप्लीमेंट करते हैं। देन लीडर ऑफ द पार्टी एंड लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ पार्टी एंड लीडर ऑफ नेशन, ये उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब जैसे हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बीजेपी के भी लीडर हैं, आजकल अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो अपनी पार्टी से रिलेटेड स्पीचेस भी दे रहे हैं। ठीक है, इवन कई स्टेट्स में वो जा रहे हैं जैसे रैलीज जो है वहां पे होती है तो स्पीचेस प्रॉपर दी जा रही है, तो वो लीडर ऑफ द पार्टी भी है साथ ही वो, क्योंकि अपनी पार्टी क्योंकि वो जिस पार्टी से है वो अपनी पार्टी को भी प्रमोट करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर। अभी रिसेंटली जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है लाइक पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं तो बाकी स्टेट्स में भी हो रहे हैं, दो तीन और स्टेट्स में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर अपनी पार्टी की प्रमोशन, पार्टी की प्रमोशन का मतलब होता है अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं लीडर ऑफ द पार्टी, क्योंकि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ नेशन, वो नेशन के लीडर हैं, पीपल आर ऑलवेज ईगर टू लिसन अबाउट द पॉलिसीज। अब इंडिपेंडेंस डे में आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेड फोर्ट में जो है वो स्पीच देते हैं, तो उनकी स्पीच में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत से ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं तो जो उनकी स्पीचेस को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या नया लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी नई पॉलिसीज को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हमने प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा मीडिया के सामने बोलते देखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पोक्समैन स्पीकर मतलब मेन जो है वो हमारी कंट्री की पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट होती है वो मेन प्राइम मिनिस्टर ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी कि आज रात 12 बजे के बाद करेंसी बंद हो जाएगी, है ना, तो लोग हमेशा ही उनको मतलब जब भी वो उनकी स्पीचेस होती हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपने बहुत ही रेयर है कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को मतलब जो है वो स्पीच देते हुए सुना होगा। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री में मेजर जो अनाउंसमेंट है जो भी पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट होती है वो मोस्टली किनके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो हमारी कंट्री की जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी कंट्री में होता है तो लोग प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन पढ़ते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है, उन्होंने क्या कहा है उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अपने आप को नेशन के साथ कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टेलीविजन, टेलीविजन के द्वारा। आप देखते हो कि आए दिन जब भी उनकी स्पीचेस होती है तो लोग उनको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि तो उनको ये होता है कि नेक्स्ट सपोज जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पर मैं सभी लोगों को प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर का वेट होता था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इज पावरफुल देन प्रेसिडेंट, नो डाउट। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स हैं उनको एडवाइस करते हैं, तो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कंट्री के इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन विच आई दिस साइड बाई साइड आई हैव डिस्कस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए साथ ही साथ कि कैबिनेट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 मैम जो मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन कैबिनेट उनमें से दोज इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आर कैबिनेट मिनिस्टर्स विच आर गिवन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। 3-4 डिपार्टमेंट्स के नेम याद रखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है, एक्सटर्नल या फॉरेन सेक्टर, ये ऐसे 4-5 जो है वो मेन डिपार्टमेंट्स याद रखो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट, ये अपने डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड कैबिनेट। कैबिनेट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनसे मेनली एडवाइस लेते हैं,
ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इतने सारे मिनिस्टर्स की इकट्ठी मीटिंग पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए जब भी कंट्री में अचानक से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो डिस्कशन करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग ट्रस्टवर्दी होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा उनसे कंसल्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ही मे और मे नॉट कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये है सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि इकट्ठे डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है वही कैबिनेट का डिसीजन होता है, ठीक है। तो कंट्री में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अगर कहीं ना कहीं अगर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है तो कैबिनेट भी साथ ही होगी। सपोज अगर किसी कंट्री में कभी ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्ट, रॉन्ग एक्ट, तो उसके लिए कैबिनेट भी रिस्पॉन्सिबल मानी जाए क्योंकि उनका डिसीजन इकट्ठा ही होता है। इट डजंट मीन फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलती की है या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग कुछ कंट्री में कोई प्रॉब्लम आई है तो दोनों को इकट्ठा रिजाइन करना पड़ेगा, फिर कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ विल रिजाइन, और उसमें फिर नए सिरे से क्या होगा, गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि उनको फिर प्राइम मिनिस्टर या वो लोग फिर अब रूलिंग पार्टी में नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार कंट्री में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है तो सबको इकट्ठा ही रिजाइन करना पड़ता है, और इकट्ठा रिजाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट फिर नए सिरे से गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। लाइक आपने पंजाब का देखा, सपोज इसमें कोई ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ गलत था या कुछ है, लाइक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद फिर से इलेक्शंस नहीं हुए, फिर से यानी कि नए सिरे से फिर से गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई और रिशफलिंग की गई, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये डिपेंड, उसके बाद फिर सारे मिनिस्टर्स चेंज हुए होंगे, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होल्ड है, या स्टेट में सीएम और बाकी मिनिस्टर्स का होल्ड, ठीक है। तो दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कई बार अकेले प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और कई बार क्या होता है जब होल मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल तो सारी की सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मेन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी कंट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, दीज आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल एग्जेक्टिव। ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज दैट आर इनिशिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर आपको अलग से सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस, आपने प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस तो पढ़ ली, सपोज अलग से आपको ये भी पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होते हैं, इनडायरेक्टली मिनिस्टर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस, ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस क्या होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के फंक्शंस, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, वही आ गया कि जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारी कंट्री में पॉलिसीज हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये पॉलिसीज बनाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ पॉलिसीज बनाएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे। तो मेन हमारी कंट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाएंगे, है ना, तो ये मेन बनाते हैं क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट इंचार्ज बनाया जाता है, इंडिपेंडेंट इंचार्ज होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, तो ये क्या करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक है। देन लॉ मेकिंग फंक्शंस, लॉ मेकिंग मिनिस्टर्स जो है वो एमपी भी हैं, तो जब भी लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है, बिल को पास करवाया जाता है, ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी, तीन आप बता दो, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, बजट तभी पास होगा जब पार्लियामेंट में प्रॉपर उसकी वोटिंग करवाई जाएगी, और मिनिस्टर्स जो होते हैं ये भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इनका भी एक मेन जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, बिल को इंट्रोड्यूस करना, फाइनेंस यानी कि बजट को इंट्रोड्यूस करना, बजट को पास करवाना, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन, क्योंकि कमेटीज इन्हीं में से बनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं एमपी, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं एमपीज होते हैं, ये किसी ना किसी कमेटी के मेंबर होते हैं, तो ये प्रॉपर उस बिल के बारे में थॉरो रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये जो है लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनेंशियल फाइनेंस, कंट्री के फाइनेंस मनी, ठीक है, लाइक फाइनेंस बिल, मनी बिल, बजट, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
ठीक है, कंट्री में कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया जाएगा वो सारा ये प्रिपेयर करवाते हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की जो मनी है उसको प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं, और बिल पास करवाए जाते हैं, बजट प्रिपेयर करवाया जाता है। तो बजट एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेन फैक्टर माना जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करती है, ठीक है। देन इसके अलावा नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट्स, अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो भी, सपोज मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही वो कैबिनेट्स की मीटिंग में डिस्कशन करते हैं, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, मेजर अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इवन लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर है वो ये चुनते हैं मिनिस्टर्स या एमपीज, है ना। तो हमारी कंट्री में ये लाइन याद रखो, ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेक बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से होती है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट इज एमरजेंसी पावर्स, प्रेसिडेंट की जो एमरजेंसी पावर्स होती है, प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट भी अपनी इमरजेंसी पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, विद द ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कंट्री में इमरजेंसी लगाई जाने की जरूरत है, ठीक है, और अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करती है, तो इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट यूज करते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट अलोन कांट टेक डिसीजन टू इम्पोज इमरजेंसी, ठीक है, उनको साथ में कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, किसको, प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, अकेले प्रेसिडेंट कांट टेक डिसीजन, ठीक है। तो नो डाउट सो मेनी पावर्स हैव बीन गिवन टू आवर इंडियन प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट जो है वो रूल इनडायरेक्टली कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीज आर रूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्लियर। हाँ जी, एनी डाउट, एनी डाउट बेटा, यस, पावर्स आर क्लियर, अंशिया, अर्शदीप, दीपाली, गरिमा, गौरव, गुरशान, गुरपाल, ईशानी, जपजी, जिया, कनिष, ऑल आर क्लियर। हाँ जी बच्चे, साथ साथ नोटबुक्स बनाना शुरू करो, तीनों का एक एक लिख लो, एक लेजिस्लेचर का लिख लो, एक एग्जीक्यूटिव का लिख लो, एक जुडिशियरी का लिख लो ना क्वेश्चन, ओके। मैं एक मिनट के लिए ना अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, एनी डाउट, यू वांट टू आस्क समथिंग, हाँ जी बेटे, नोटबुक्स बनाना शुरू करो, ठीक है, एटलीस्ट आप कॉपीज में ना लेजिस्लेचर का ये दो क्वेश्चन कर लो, एक पार्लियामेंट का, दूसरा करो प्रेसिडेंट, और थर्ड कर लो प्राइम मिनिस्टर, तीन क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो कॉपी में, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर, ओके, थैंक यू बेटा।